नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, ये गंगा कंपनी का टेबल फ़ैन है। दोस्तों ये आके हमारा मोटर के 5 वायरा हैं और ये हमारे 2 वायरा कैपेसिटर के हैं और ये 2 वायरा आके हमारे काम पावर सप्लाई के मेंस कार्ड के हैं। फ्रेंड्स इसके पूरी वायरिंग हमें किस तरीके से करना चाहिए आपको इस वीडियो में मैं फुल डिटेल्स बताऊँगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा आप, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों देख लिए ये मोटर के 5 वायर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वायर। फ्रेंड ये 5 वायर हमें किस किस पे कनेक्शन किस तरीके से करना चाहिए आपको बतलाऊँगा। फ्रेंड सबसे पहले हमें लेंगे इसमें ब्लैक वायर और येलो वायर, दोनों वायर लेके हमें ये दोनों वायर को दोनों कैपेसिटर के कनेक्शन करना होगा। कैपेसिटर में आपको कोई भी प्लस माइनस फेस न्यूट्रल कुछ भी नहीं रहेगा, आप किस तरीके से भी कैपेसिटर के कनेक्शन हमें येलो और ब्लैक को कनेक्शन देना होगा। दिए के बाद हमारे पावर सप्लाई की 2 वायर रहती हैं, ये 2 पावर सप्लाई में की 2 वायर आएंगी हमारे स्विच के। देखो इधर ये जोड़ा एक, ये सिंगल सिंगल नहीं रहता है, ये 2 पॉइंट आके एक स्पीड रहता है, ये 2 पॉइंट आके एक स्पीड, 2 पॉइंट आके एक स्पीड रहता है, ये सिंगल है। देखो ये हमें पावर सप्लाई की एक वायर देना होगा, इसमें मैं आपको दिखलाता हूँ कनेक्शन। इस तरीके से कनेक्शन दे के इसको आप सॉल्डरिंग भी कर सकते हैं या इस तरीके से ट्विश करके टेपिंग भी कर सकती हैं। मैं आपको वीडियो बताने के लिए खाली इसको ऐसा लपट के वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने इसको लपटा है, अब इसमें बचे ही हमारे एक पावर सप्लाई की एक और एक वायर बची है और ये हमारे 3 वायर बचे हैं। फ्रेंड्स ये हमें बचे हैं ना, ये हमारी पावर सप्लाई की और एक वायर है ना, ये आके हमारे कैपेसिटर और ब्लैक वायर है। देखो इस दोनों तारों को हमने जोड़ लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स जोड़ लिया है, अब बचे हैं हमारे 3 स्पीड। ये देखिए ये आके हमें 3 स्पीड वायर इस प्लेस में देना होगा, ये 1, ये 2, ये 3 बोल के। देखो ये रेड है सो हमारा फुल हाई स्पीड रहता है, ये हाई स्पीड आके हमें नंबर 3 को देंगे, ये नंबर 3, ये नंबर 3 इधर दियो और ये ब्लू वायर नंबर 2 को दियो, सॉरी ब्लू वायर वाइट वायर नंबर 2 होता है और ये ब्लू वायर नंबर 1 को दियो। ये पूरा कनेक्शन करके मैं आपको बतलाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से फिट कर लिया है, अब इसको हमें प्लग सीरियस में देता हूँ। देखिए अब फिर रहा है ये फैन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दोनों फिर रहा है, हाफ भी हो रहा है। हमारा फ़ैन हमारे राइट साइड में घूमना चाहिए, इस हमें हमारा फ़ैन राइट साइड सीधा घूम रहा है तो आपको सामने से हवा आ जाती है, हमारा फ़ैन उल्टा घूम रहा है तो आपको फ़ैन के अपोजिट में नहीं आएगी। जब हमें फ़ैन उल्टा फिर रहा है तो जब क्या करना बोले तो ये हमें एक पावर सप्लाई की एक वायर हमें ब्लैक वायर को दिए है ना, इधर ब्लैक को कैपेसिटर को दिए है ना, ये वायर निकाल के हमें ये येलो और ब्लैक को, येलो और वाइट कैपेसिटर के कनेक्शन को इस तरीके से दे दो, हमारा फ़ैन सीधा घूमेगा। आपका उल्टा घूम रहा है तो ये कनेक्शन चेंज करो, सीधा घूम रहा है तो कोई भी मत करो, ये तो सीधा घूम रहा है, मैं आपको बतलाने के लिए कनेक्शन चेंज किया था। ठीक है फ्रेंड, ये 5 वायर की आपको वायरिंग मैं बतलाया हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 वायर की 6 वायर की भी बतलाऊँगा। आप कमेंट करें तो मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।